अगर आप एक शिक्षक हैं और ऑनलाइन पढ़ाने के लिए तैयार हो गए हैं, पर डरते हैं कि यार मेरे पास तो सिर्फ फोन है, फोन से किस तरीके से मैं ऑनलाइन क्लासेस ले सकता हूँ, कैसे अपने वीडियो जो लेक्चर्स हैं उन्हें रिकॉर्ड करूं, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसा बेहतरीन ऐप, जैसे आप अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स को समझाते हैं ना ब्लैक बोर्ड पर, सेम ब्लैक बोर्ड आपको अपने फोन में मिल जाएगा और वो सारे फीचर्स इवन मोर देन दैट जो है इसमें आप यूज कर सकते हो और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो वीडियोज है, जो कंटेंट है वो बना सकते हो डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे यूज करने के लिए, या फिर YouTube पे अपलोड करने के लिए, या फिर डायरेक्ट अपने स्टूडेंट्स को भेजने के लिए। तो ये सब समझाने के लिए मुझे आपको अपने फोन की स्क्रीन पे ले जाना होगा, बारीकी से हर चीज को आप समझना, वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड पूरा अच्छे से समझना और देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब चलिए फोन की स्क्रीन पे चलते हैं। तो आपको दो एप्स की जरूरत पड़ने वाली है। वन इज स्क्रीन रिकॉर्डर, जो बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डर की वीडियोज मैंने अपने चैनल पे पहले से अपलोड की गई हुई है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी या ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे, जहां पर आप देख सकते हैं कि हाउ टू यूज स्क्रीन रिकॉर्डर फॉर एजुकेशनल वीडियोज। ठीक, अभी वाला ये ऐप, इसका तो नाम ही इतना जबरदस्त है, ब्लैक बोर्ड ऐप। तो ये ऐप जो है यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ब्लैक बोर्ड ऐप, ये देखिए यही वाला ऐप है ब्लैक बोर्ड ऐप, जो आपको प्ले स्टोर में जाना है और इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप ऐप के अंदर जाएंगे, इस तरीके का इंटरफेस ये देखिए लग रहा है ना, बिल्कुल ब्लैक बोर्ड, और वो कुछ बच्चे गंदा गंदा सा उसे रब करते हैं ना, वही वाली स्क्रीन जो है आपको मिल रही है यहाँ पे। बट नहीं, मैंने बोला ना खाली क्लास के ब्लैक बोर्ड वाले फीचर्स नहीं है, मोर देन दैट है। इसके सारे फीचर्स को हम स्टार्टिंग से समझना शुरू करते हैं। पहला फीचर तो आपका ऊपर पेन का दिख ही रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक चौक चाहिए, तो यहाँ पे आपकी चौक का काम करेगा। अब चौक का काम कैसे करेगा आपको मैं लिख के दिखा देती हूँ। इस तरीके से मैंने अभी ये सेलेक्ट किया हुआ है, पेन मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब जिस तरीके से भी आप लिखना चाहते हैं बहुत ही अच्छे से, बस आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बढ़िया, बहुत फास्ट, यदि ब्लैक बोर्ड पे जैसे लिखते हैं उससे अच्छी राइटिंग जो है आपको यहाँ पर इससे मिल सकती है। बट उसके बाद अगली चीज आती है इरेजर। अब डस्टर तो चाहिए ना, तो यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो डस्टर है, जिससे आप इरेज कर सकते हैं। और अपने डस्टर का जो साइज है, जो कि आपको क्लास में अवेलेबल नहीं होता, तो आप अपने डस्टर का जो साइज है उसे भी कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, ये है आपकी शेप्स। आपको मिलते हैं ब्लैक बोर्ड पे ऐसा कि आप जो चाहे वो शेप्स जो है वो ड्रॉ कर सके। तो देखिए इसे लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे जब आप, तो ये सारी शेप्स जो है आपके सामने खुल जाएंगी। आपको कैसी शेप्स चाहिए, फिल चाहिए या फिर एम्प्टी सिर्फ आउटलाइंस चाहिए, सारे ऑप्शंस। अगर आप मैथ समझाते हैं, मैथ्स के वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे ऐप्स आपको डाउनलोड करने पड़ते हैं, बट यहाँ पर एक ही ऐप में आपको ये सारे फीचर्स जो है वो मिल जाएंगे। तो इन शेप्स की हेल्प से आप, मुझे लगता है, मैथ्स को बहुत ही बेहतर तरीके से जो है अपने बच्चों को समझा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि शेप्स में कलर्स भी कर सकते हैं यहाँ पर, उसके साथ साथ कलर्स गिवन है। ओके, मैंने शेप ले ली है स्क्वायर और उसके साथ साथ मैंने उसका कलर भी ले लिया है। अब मैंने बोला ना आपको चाहे तो आप फिल शेप्स भी ले सकते हैं। ये देखिए मैंने फिल वाला ऑप्शन क्लियर कर दिया, तो आपकी मर्जी है आप बच्चे को किस तरीके से जो है वो चीजें समझाते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन ये ब्रश का आ जाता है कि अगर आप पेंटिंग करना चाहते हैं तो आप इसमें पेंटिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला ऑप्शन आता है आपके पास, इससे आप जो पर्टिकुलर एरिया है उस एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी मेंशन एरिया को। और उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास टेक्स्ट, अगर आपको टेक्स्ट कुछ लिखना चाहते हैं। ठीक, स्क्रीन पे ऐसा तो नहीं है कि हर चीज आप जो है अपनी फिंगर से या पेन लेके लिखेंगे, कुछ टेक्स्ट फॉर्म में अगर आपको कॉपी पेस्ट करके कुछ बच्चों को बताना है, नोट्स बनाने हैं, तो वो यहाँ पे आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, किसी भी तरीके का टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं, विद कलर चूज कर सकते हैं। और मैं आपको करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। यहाँ पे लिया, ये आ गया, मैंने लिख दिया सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर दिख गया। इसके अलावा और भी जो टेक्स्ट है वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको दिख रहा है ये है यहाँ पर, ये हाथ का जो निशान है, इससे हम पॉइंट कर सकते हैं किसी भी चीज को। ये पॉइंटर हमारा निकल के आ जाता है, इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो देखेंगे कि आप चाहते तो हाथ भी आ जाएगा, चाहते ही ओवरले का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, इस ओवरले के ऑप्शन से चाहे तो आपको हाथ का साइन ही आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, कलर आप कोई सा भी चूज कर लीजिए, पिंक कर लेते हैं। अब देखिए ये हाथ, जहां पर भी आपको चीज समझाना चाहेंगे ना, बच्चों को ऐसे ऐसे करके एक्सप्लेन करते हैं,
तो उसी तरीके से ये हाथ आ जाएगा और इसकी हेल्प से आप सारी चीजें जो है बच्चों को एक्सप्लेन करते रहेंगे। और अब जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, नॉट ओनली दिस ब्लैक बोर्ड, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। ये वाला जो आपको नीचे ये स्क्रीन वाला फीचर दिख रहा है, इसमें क्या है कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप इसकी स्क्रीन चेंज कर दीजिए, ऐसे प्लेन प्लेन व्हाइट, उसके साथ इस तरीके के छोटे बॉक्सेस, चाहे तो आप अगर ग्रिड्स मैथ समझा रहे हैं तो ये वाली इमेज, छोटे ग्राफ समझा रहे हैं तो ये वाली इमेज, हिंदी पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए ये वाली इमेज ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश डॉट्स, इतनी सारी इमेज, इंग्लिश सिखा रहे हैं विद लाइंस तो ये वाला ब्लैकबोर्ड का साइज ले लीजिए। क्या रियल क्लास ब्लैकबोर्ड में ये सारी इमेजेस जो होती है आपके पास अवेलेबल होती? नहीं। तो इससे आप बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो क्रिएट कर सकते, चाहे छोटे बच्चों के लिए चाहे बड़े बच्चों के लिए, किसी के लिए भी आपको कंटेंट क्रिएट करना है आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद अगला है, आप इसे प्रिंट करवाना चाहते हैं, जो भी आपने ये बोर्ड पर काम किया है इसे सेव करना है, आपको इसकी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ आप जो भी करते रहेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर पेज को ही सेव करना चाहते हैं ना, तो ये पूरा पेज प्रिंट भी हो सकता है। यहाँ पर पूरा आप एक वर्कशीट डिजाइन कर सकते हैं और उस वर्कशीट को प्रिंट करा लीजिए अपनी क्लास में, जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तब बच्चों से वो काम करा सकते हैं, अपने बच्चों से घर पे काम करा सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। और इसके साथ साथ इस पूरे डैशबोर्ड को फुल स्क्रीन पे लेकर जिस तरीके से हम अपने वीडियो लेक्चर्स बनाते हैं वैसे भी काम कर सकते हैं। तो मुझे ये ऐप पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लगा वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करने के लिए, जिस चीज को लेके आप लोग परेशान रहते हैं। बस ये है कि आपने यहाँ पर जो भी काम किया, जो भी चीजें एक्सप्लेन करी, वो आप स्क्रीन रिकॉर्डर की हेल्प से साथ के साथ रिकॉर्ड करते रहिए, तब आपके लिए बहुत ज्यादा चीजें जो है वो बढ़िया हो जाएंगी और बहुत अच्छी क्वालिटी की वीडियोस जो है अपने बच्चों के लिए आप बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ अब ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी, आपको बहुत मजा भी आया होगा इस वीडियो को देखकर और बहुत सारी चीजें आपने सीखी होगी। स्टिल अगर आपके कोई भी डाउट है, किसी और ऐप का आप कुछ नॉलेज जानना चाहते हैं, टीचिंग जो टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, तो वो बाकी सारी चीजें आप मेरे लिए कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, आई एम देयर टू हेल्प यू। तो वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन बेल दबा देना, तभी मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच।